गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि हम कैसे जी मीट को क्रिएट कर सकते हैं निक नेम क्रिएट करके, एक निक नेम का इस्तेमाल करके भी हम जी मीट को क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि हम कैसे निक नेम बनाएंगे और निक नेम क्रिएट करके जी मीट को स्टार्ट कैसे करेंगे। तो हम ये देख लेते हैं, ये मेरा इसके लिए मैंने अपना जी सूट अकाउंट ओपन कर लिया है और मैं 9 डॉट्स पे जाऊंगी, 9 डॉट्स पे क्लिक करूंगी और गूगल मीट ओपन करूंगी। गूगल मीट ओपन करते ही मुझे ज्वाइन और स्टार्ट मीटिंग का ऑप्शन आएगा, तो मैं मीटिंग को स्टार्ट करूंगी एक निक नेम क्रिएट करके और उसी निक नेम को मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगी जिससे वो मीटिंग को ज्वाइन कर सकें। अब आप ये देखिए, यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक किया ज्वाइन और स्टार्ट अ मीटिंग पे, तो यहाँ लिखा हुआ आ गया एंटर द मीटिंग कोड और निक नेम। तो मैं यहाँ पर एक यूनिक निक नेम अपनी मीटिंग को दूंगी, गूगल मीट को मैं एक यूनिक निक नेम दूंगी जो कोई और टीचर इस्तेमाल ना करे ताकि कोई क्लैशेस के चांसेस ना हो। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा निक नेम क्रिएट करना होगा जो अपने आप में ही यूनिक हो। तो एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैंने एक निक नेम क्रिएट कर लिया 1424 जो मेरा स्कूल कोड है, देन शिफ्ट 2, फिर मैं सब्जेक्ट और क्लास और सेक्शन लिखूंगी एंड देन आई विल राइट सब्जेक्ट नेम। अब ये आप देखिए, इसमें स्कूल कोड है, शिफ्ट है, सब्जेक्ट, सेक्शन और क्लास है। तो ये जो निक नेम है, अगर हम इस तरीके से निक नेम बनाते हैं तो ये निक नेम अपने में ही एक यूनिक निक नेम है। और इस तरीके से निक नेम बनाने से जो कोई भी जो टीचर, कोई और टीचर जो है वो इस निक नेम का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि आप ही इस स्कूल में, इस शिफ्ट में, इस सब्जेक्ट को और पर्टिकुलरली इस क्लास को पढ़ा रहे होंगे। तो कोई और टीचर डेफिनेटली इस निक नेम का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर एक स्कूल में एक स्टैंडर्ड नॉमनक्लेचर हम सेट कर लें कि हमने ऐसे करना है, तो किसी भी टीचर के बीच में जी मीट पे क्लैश नहीं होगा और बच्चा जो है वो उसी टीचर का निक नेम इस्तेमाल करके ज्वाइन हो जाएगा इजीली। यहाँ पर हमने बस यही ध्यान रखना है कि हमने ये निक नेम एक बार क्रिएट कर लेना है और अपने बच्चों के साथ शेयर कर देना है। तो हर बार जब भी हम गूगल का हम जब भी अपनी क्लास जी मीट के थ्रू लेना चाहेंगे, तो हमने ये निक नेम ऑलरेडी अपने बच्चों के साथ शेयर कर दिया होगा। बच्चा जो है इस निक नेम का इस्तेमाल करके हमारे जी मीट जो है उसमें ज्वाइन हो जाएगा और हम जी मीट का आसानी से ले पाएंगे। बस टीचर को 10 मिनट्स या 5 मिनट्स पहले टीचर लॉगिन कर ले और लॉगिन टीचर इस निकनेम से लॉगिन कर लेगा और मीटिंग स्टार्ट कर देगा और बच्चा जो है वो टीचर के बाद ही इस निकनेम का यूज़ करके जी मीट को ज्वाइन कर सकता है। आपको ये एक्टिविटी एक बार करनी है। आपने एक जी मीट क्रिएट कर लिया, एक निकनेम क्रिएट कर लिया, हर बार आप इसी निकनेम का इस्तेमाल करके जी मीट को स्टार्ट करिए और बच्चा इस निकनेम से हर बार आपकी क्लास में ज्वाइन हो जाएगा। सिर्फ आपको पहले लॉगिन करना होगा, टीचर एंड से पहले लॉगिन होगा, तो ये सिक्योरिटी पर्पज से काफ़ी अच्छा है। तो टीचर पहले लॉगिन कर ले और फिर बच्चे जो हैं वो इसमें एंटर हो जाएंगे। तो मैं इसे कंटिन्यू करती हूँ। कंटिन्यू करते ही मेरी जो जी मीट है वो शुरू हो गई है। आप देख पा रहे होंगे ये अपनी स्क्रीन पे कि ये जो जी मीट है वो स्टार्ट हो गई है। और अब मैं आपको एक स्टूडेंट आईडी से लॉगिन करके दिखाऊंगी। उसके लिए पहले मैं ज्वाइन हो जाती हूँ। ये मैं जी मीट में ज्वाइन हो गई हूँ और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मेरा निक नेम मुझे दिखा रहा है कि ये निक नेम मैंने अपनी मीटिंग के लिए रखा है। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैं अकेली पार्टिसिपेंट हूँ इस जी मीट में। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि स्टूडेंट कैसे इसे ज्वाइन करेगा। तो ये मेरे पास एक अकाउंट है जो कि एक स्टूडेंट अकाउंट है, स्टूडेंट आईडी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ देख लेते हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ पर एक स्टूडेंट आईडी है और यहाँ पर मैं 9 डॉट्स पे क्लिक करके मीट पे क्लिक करेगा स्टूडेंट सिंपल, और यहाँ पर स्टूडेंट को आएगा सिर्फ यूज अ मीटिंग कोड, उसे क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आता। तो यूज अ मीटिंग कोड में स्टूडेंट सेम मीटिंग कोड आप उसे एक बार अपने स्टूडेंट से ज्वाइन कर शेयर कर दीजिए और हर बार स्टूडेंट इससे ज्वाइन हो जाएगा। तो स्टूडेंट भी सेम निक नेम एंटर करेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें निक नेम जो है केस सेंसिटिव नहीं है। अगर आपने अल्फा कैपिटल में भी निक नेम को क्रिएट किया है और स्टूडेंट अगर स्मॉल लेटर्स में भी लॉगिन करता है और डालता है कोड को, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। उसमें अगर स्पेस भी स्टूडेंट कर देता है गलती से, तो भी जो निक नेम है वो एक्सेप्टेड गूगल जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा और उसे ज्वाइन वो कर पाएगा।
तो ये सबसे अच्छी बात है। बस इतना हमें ध्यान रखना है कि टीचर एंड से पहले लॉगिन होना चाहिए, तभी स्टूडेंट लॉगिन कर पाएगा, अदरवाइज स्टूडेंट लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो अब मैं ये स्टूडेंट एंड से इसे ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है। और ये स्टूडेंट आईडी में आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है कि अमिता राणा इज़ इन द कॉल। मैं यहाँ से ज्वाइन कर लेती हूँ और ये स्टूडेंट ने भी ज्वाइन कर लिया है। और आप देखिए यहाँ पर टू पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। ये प्रीशा माथुर का अकाउंट है जो मेरा स्टूडेंट अकाउंट है, और ये मेरा जी मीट का अपना अकाउंट है ये वाला। इसमें आप देखिए तो मेरा नाम ऑब्वियसली ऊपर आ रहा है और स्टूडेंट आईडी में स्टूडेंट का नाम ऊपर आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट और टीचर दोनों निक नेम का इस्तेमाल करके ज्वाइन हो जाएंगे एक जी मीट में। सिर्फ टीचर को एक ही बार निक नेम का क्रिएट करना है और अपने स्टूडेंट से शेयर कर दीजिए, और फिर स्टूडेंट हर बार जब भी आपको क्लास लेनी हो तो अपने स्टूडेंट्स को आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप इस टाइम पे क्लास लेने वाले हैं, और उस निक नेम से स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएगा आपके ज्वाइन आपके लॉग इन करने के बाद। बस हमें एक बात हमें यहाँ ये भी ध्यान रखनी है कि जब भी हम जी मीट क्लास कंडक्ट करते हैं, तो जब हम अपनी क्लास फिनिश कर लें तो हम अपने बच्चों को ये बोलें कि वो अब लीविंग अब जो मीटिंग है वो छोड़ सकते हैं, दे कैन लीव द मीट। और अगर बच्चे नहीं जा रहे हैं तो आप उन्हें यहाँ से सिंपली रिमूव कर दीजिए। सिंपली आप सेलेक्ट करके किसी बच्चे को आप सेलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं। तो अगर रिमूव करने के बाद हर बच्चे को रिमूव करने के बाद ही टीचर को मीटिंग से एग्जिट करना है। और एक और बात मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ कि गूगल में 90 सेकंड्स का एक बफर होता है। अगर आपने बच्चों को सारे बच्चों को मीटिंग से रिमूव कर भी दिया है और आप मीटिंग से एग्जिट हो गए हैं, बट 90 सेकंड्स के विदिन अगर बच्चा ट्राई करता है तो बच्चा रीज्वाइन कर सकता है मीटिंग को। तो आप एक प्रैक्टिस बना लें इसको कि आप आफ्टर 2 मिनट जब भी आप एग्जिट कर लेते हैं मीट, 2 मिनट के बाद दोबारा एक बार रीज्वाइन करके मीटिंग को ज्वाइन करके एक बार देख लें, चेक कर लें कि किसी बच्चे ने मीटिंग को रीज्वाइन तो नहीं कर लिया। अगर कर लिया है तो आपको दोबारा उस बच्चे को रिमूव करना है और मीटिंग को एग्जिट करना है। तो ये इस बात का हमें ध्यान रखना होगा जी मीट कंडक्ट करते, ताकि कोई भी सिक्योरिटी इश्यूज हमारे सामने ना आए। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जिसमें बच्चे के एंड से गलती होने के चांसेस बहुत कम है, और बच्चा बहुत इजीली हर बार आपको मीटिंग जनरेट नहीं करनी होगी। सिर्फ एक बार आपने निकनेम क्रिएट कर लिया, आप बच्चे का शेयर कर दीजिए, बच्चा हर बार उसी निकनेम से जो मीटिंग है वो ज्वाइन कर लेगा। और मीटिंग का निकनेम हमेशा यूनिक रखिए, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, तो इस टाइप का एक स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर बना लें ताकि किसी और टीचर के साथ आपका मीटिंग का क्लैश ना हो। नहीं तो बच्चा किसी और अगर आप सेम कोई आपका जो आपका जो निकनेम है कोई और भी यूज़ करता है, तो बच्चा उसकी क्लास में ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लैशेज होने के चांसेज हैं, तो हमेशा निकनेम ऐसा बनाएं जो कि अपने आप में ही यूनिक हो। तो ये थे कि हम निकनेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बट ये जो फीचर है निकनेम क्रिएट करने का गूगल मीट के लिए, ये अभी सिर्फ लैपटॉप्स पे मींस ऑन द वेब इट इज़ ओनली अवेलेबल ऑन द वेब, बट मोबाइल में ये फीचर अभी अवेलेबल नहीं है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वी विल गेट एनी अपडेट, और मोबाइल में भी ये फीचर जो है वो जल्द ही आ जाएगा, बट एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द मोबाइल। आप सिर्फ लैपटॉप के इस्तेमाल से ही या फिर डेस्कटॉप जो भी वेब के इस्तेमाल से आप सिर्फ मीटिंग को क्रिएट कर सकते हैं, निकनेम क्रिएट कर सकते हैं अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं। लैपटॉप टैबलेट से ये फीचर अभी अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों के साथ ईजिली गूगल मीट को कंडक्ट कर सकते हैं निकनेम क्रिएट करके। धन्यवाद।